नीचे लीजिए। ये तो भैया, हाँ और थोड़ा ये बिल्डिंग के साथ लगाओ ना भैया, थोड़ा अंदर साइड, अंदर साइड। बस 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 बस, चलो आ जाओ जल्दी कर दो। अरे भैया संभाल के, कांच का सामान है, प्लीज आराम से ले जाइए, इधर फर्स्ट फ्लोर पे पहले माले पे। ये इधर रखिए, ये इधर रखिए। मेघना जी। हाँ। मॉम का फोन है, क्या चीज? इडियट, मम्मी को बोल मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी शिफ्टिंग चल रहा है, आराम से, बाद में बाद में। हो गया, चलो। हाँ मम्मी। नहीं, ऑटो बस स्टैंड है, घर के आसपास ही है। हाँ नहीं, लगता है कुछ 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास। सोचो मम्मी कैसे छुट्टी ले लूँ मैं, ऐसे ऑफिस से थोड़ी ना होता है। हाँ नहीं मम्मी, कोई ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता है घर सेट करने के लिए। हाँ आप रोहित की चिंता मत करो, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार आपसे दूर गया है। हाँ अभी अभी निकल गया। रुक, तू नाश्ता किया? हाँ किया। उस मम्मी है? बाय मम्मा। हाँ बाय बाय। सुन सुन, डब्बा लिया, डब्बा लिया, चाबी 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 लिया, बाय। हाँ हाँ कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा सेट। मैं 2 दिन हुआ है, कैसे मैं ऐसे जल्दी इतना सेट कर दूं? 1 हफ्ता तो लगेगा ना टाइम। मम्मी जैसे ही सेट हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले आपको फोटो भेज दूंगी। हफ्ता भर तो लगेगा ना? हाँ अच्छा मम्मी, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मेरे को रेडी होना है। ओके बाय बाय बाय। हाँ मैं फोन करूँगी। बाय।
ले लो। आना है पार्सल 20 रुपीज। भैया जरा और चेक कर लीजिए पार्सल। हाँ अरे जोशी जी, आज आप नीचे किसी की राह देख रहे हो क्या? नहीं, वो आप दिखते नहीं हो ना कभी सोसाइटी में, इसीलिए। चलो चलता हूँ। भैया वही मेदू वड़ा चटनी। पैसे वो अंकल ने दे दिए। हाँ, वो अंकल ने पैसे दे दिए। कौन सा अंकल ने दे दिए? देखिए भैया, आप मेरे पैसा ना मेरे से लीजिए खाने का, वरना मैं इधर से पार्सल नहीं लूंगी। एक्सक्यूज मी, एक बात कहनी थी आपसे। जब से आप यहाँ रहने आई हो ना, दिन बहुत अच्छा गुजरता है मेरा, खुशी मिलती है आपको देखकर। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने? भैया देखकर नहीं चला सकते आप, ध्यान से चलाना चाहिए। आपका ध्यान कहाँ पर है? रोड पे है कि कहाँ पर है आपका? मरना है तो अकेले मरो ना, हमको लेकर क्यों मर रहे हो आप? मेरा क्या गलती है? क्या क्या गलती है? कहाँ कहाँ से आ जाते हो? अभी चलाओ जल्दी। हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को आज बहुत ध्यान से देखें। ये तस्वीरें बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ के आरोपियों की हैं, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के नाम हैं सुदेश और लेनो। इन लड़कों ने जो हरकत की है उससे इनकी सोच और संस्कारों का साफ साफ पता चलता है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी बेंगलुरु के एक होटल में काम करते हैं और पिछले 4-5 दिनों से इस लड़की का पीछा कर रहे थे। बेंगलुरु में शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले ये चारों लड़के तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमारे देश में ऐसी सोच रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? और कौन, लड़कियां रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। प्लीज गाइस, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो देखो देखो, ऐसे इंसिडेंट्स में तुम लड़कियां कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेने से डरती हो। देख फॉर एग्जांपल दिस इंसिडेंट्स नो, इस लड़की को पता था कि वो आदमी पिछले 4 दिनों से उसको स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। उससे इस आदमी की हिम्मत बढ़ गई और उसने क्या किया, देखो ना तुम। एग्जैक्टली, लड़कियों को उसी वक्त रिएक्ट होना चाहिए। वुमेन्स हेल्पलाइन है, इवन यू गॉट लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी एप्स दिस डेज। अरे पेपर्स पे रखो यार, किस्सा वही के वही खत्म। एक्चुअली तुम लड़कियों का डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। करेक्ट। गाइस एनफ प्लीज,
ऐसे सिचुएशन में व्हाट अ गर्ल गोस थ्रू यू हैव नो आईडिया, स्पेशली अगर कोई कोई डर के उसको स्टॉक करता हो तो. सो व्हाटएवर मैन. गाली देगा मुझ पे हाथ उठाएगा और मैं चुपचाप बैठूंगी? देख मुझे ना तेरे जैसे फोकटचंद की जरूरत है ही नहीं. मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए ना काबिल हूं. और याद रखा, कल तूने सिर्फ हाथ उठाने की कोशिश की थी तो थप्पड़ खाया था. अगली बार ना तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं. साला कमाने की अकल तो है नहीं, बस उठाने में लगा रहता है. अब रख फोन, मुझे बहुत काम है. डल क्यों है तू आज? कुछ नहीं यार. अच्छा वो छोड़, मुझे बता सोसाइटी में नेबर्स कैसे? हॉट है ना? अरे जाना शक्कर वक्कर मांगने के बहाने चेक करके. पूजा प्लीज यार, आई एम नॉट इन द मूड फॉर इट टुडे. फाइन, एनीवेज आई डेस्परेटली नीड सम कॉफी. मैं जा रही हूँ, तुझे चाहिए? हाँ प्लीज. बड़ी फास्ट है यार, शक्कर भी मांग ली, चेक भी कर लिया. और क्या क्या कर रहे थे तुम? क्या बोल रहे तुम? तेरा ना टॉप पीछे से फटा है. पहले कवर कर लो. तभी वो डर गई. थैंक्स.
मेदू वड़ा और इडली मिक्स पार्सल ले लीजिए, आपका पार्सल ही रखना। अच्छा वो भैया वो एक अंकल आते थे ना, कहाँ है? वो 4-5 दिन से नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ। मैं ना कितना लेट, अरे खड़ूस बहुत गुस्से में है, पूछ रहा था क्या? यू जस्ट बी केयरफुल। लाइक ये क्या चल रहा है मेघना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी मिस्टेक्स किए जा रही है और आज तो हद कर दिया तुमने, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारी एफिशिएंसी देखकर तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने दिया था और ये क्या किया है तुमने? तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे, हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल यार? Because of a silly mistake, it has cost us a very elite client to our company. One more such mistake and you're out of the company. Remember that. बस निकाल ही रही थी, मुझे वो कुछ क्रॉस चेक करना था एक्सेल पे। इट्स ऑलमोस्ट बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई सेड इन द मॉर्निंग। अगर हाँ तो आई एम हैप्पी। चलो निकले, जस्ट 2 मिनट्स में आती हूँ। I wanted to say sorry. Not that you didn't deserve the blasting that I gave you, par mere bolne ka tarika galat tha. I shouldn't have been this rude. Aur mere ek ex boss ne kaha tha ki agar koi baat bolne ka aapka tarika galat ho to sorry bol dena chahiye. Isse aap chote nahi ho jate aur samne wale ke dil mein aapki respect badh jati hai. So I hope have a good night. मेरे एक एक्स बॉस ने कहा था कि अगर कोई बात बोलने का आपका तरीका गलत हो तो सॉरी बोल देना चाहिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाते और सामने वाले के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आई
जोशी अंकल, आपको पता नहीं था? चार दिन पहले ही पापा, आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जाने के बाद पापा ने जीने की उम्मीद ही मानो खो दी थी। हमने बहुत बार कहा उनसे कि हमारे साथ आकर रह लो, पूना में रह लो, अपने बेटे और बहू के साथ रह लो, पर हमेशा वो एक ही बात कहते थे, इस घर से मेघना की यादें जुड़ी हुई हैं, इन्हें छोड़कर मैं नहीं आ सकता। पर पिछले कुछ दिनों से वो काफी खुश रहने लगे थे, हमें लगा हमारे पुराने पापा वापस आ गए। उनको ऐसे देखकर, उनको इतना खुश देखकर हमें इतना अच्छा लगता था। और चार दिन पहले अचानक खबर आ गई कि मेघना का जन्मदिन था उस दिन, जब पापा गुजर गए तब ये गिफ्ट और चॉकलेट उनके हाथ में था। मे बी ही वांटेड टू गो मोर क्लोजर टू मेघना। से है बंधी नजरों के परे है रिश्ते अजीज कही इरादों को अल्फाजों में इरादों को अल्फाजों में
बयान ना कर पाया।